सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किडनी की। किडनी को एच से भी लिखा जाता है और के से भी लिखा जाता है। ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको के ही मिलेगा। किडनी हमारे शरीर में दो होती हैं, जहाँ हमारे ये हाथ मुड़ते हैं ऐसे, तो जहाँ पर ये कोनी है उसकी सीध में पीछे की साइड होती है। यहाँ पर तो उससे भी हमारी यौन संबंधी परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उसके लिए हम किडनी मेरिडियन को ट्रीट करते हैं। एक जितनी भी पानी के संबंधित रोग हों, पानी से संबंधित रोग कौन कौन से हो गए? प्यास कम लगना या प्यास बहुत ज़्यादा लगना या प्यास बिल्कुल ना लगना। उसके बाद आ गया पसीना आना या पसीना बहुत कम आना या पसीना बहुत ज़्यादा आना। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, जब मैं उनको किसी मशीन में बैठाता था, आते थे बिल्कुल ठीक होते थे। जैसे ही उनको मैं ट्रीटमेंट चालू किया, उनके हाथ और पैरों पे इतना ज़्यादा पसीना आता था, इतना ज़्यादा पसीना आता था कि बिल्कुल जब मैंने उनको कोई ट्रीटमेंट देना होता था, तीन तीन चार चार बार उनका हाथ टॉवल से साफ करवाता था मैं, फिर पसीना आ जाता था। तो अगर मुझे कुछ ट्रीटमेंट देना होता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी, टिश्यू पेपर साथ रखे होते थे। फिर उनको एक सूजन बहुत ज़्यादा थी, ये भी पानी की समस्या है। किसी के शरीर के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा हो, कहीं भी हो, उसके लिए भी हम किडनी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और किडनी को ट्रीट करते हैं, किडनी मेरिडियन को। किडनी के अंदर स्टोन होना ये तो आम बात है। जितनी हमारी बालों की समस्या है, बाल झड़ना, जल्दी गंजे हो जाना, या फिर बालों का जल्दी सफ़ेद होना, उसके लिए भी हम किडनी मेरिडियन को ट्रीट करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या जो मेल्स में है, उसके लिए भी हम, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बहुत कम आना या पेशाब का रुक जाना, बिस्तर में पेशाब रात को बच्चों का निकल जाना, या फिर बड़े बूढ़ों का भी पेशाब के ऊपर कंट्रोल ना रहना, मेरे पास कई पेशेंट आते थे बड़ी उम्र के, बड़ी उम्र मीन्स 35-40 साल के, उनका पेशाब पे कंट्रोल नहीं था, उनको सर पे चोट लगी थी तो वो फिर डायपर पहन के आते थे। तो उसमें भी हम किडनी मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। किडनी का सिकुड़ जाना, डायलिसिस पे चले जाना, किडनी में पथरी होना, ये तो आम समस्या है। अब
नाक से पानी बहना, नाक से पानी बहना या कानों से मवाद निकलना, ये भी किडनी मेडिजन से रिलेटेड है। कईयों के नाखून आपने देखा होगा, नाखून अपने आप उखड़ने शुरू हो जाते हैं, ये तो मेरे बिल्कुल ठीक है। कईयों के आधे आधे कटे होते हैं, हाथों के भी पैरों के भी, तब भी हम किडनी मेडिजन के ऊपर काम करते हैं। हमारे घुटनों में दर्द होना या शरीर के किसी भी जोड़ों के अंदर दर्द होना, उसके लिए भी हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। फिर चेहरे के ऊपर कई बार कालापन आ जाता है, छाइयां छाइयां से हो जाती हैं, चेहरे पे भी होती हैं, कई बार हाथों पे हो जाती हैं, कई बार पैरों पे, कोई एक शरीर के किसी एक अंग के ऊपर कालापन आना शुरू हो जाता है, तब भी हम किडनी मेडिजन के ऊपर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। और कई बार किसी पेशेंट को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, तब भी हम किडनी मेडिजन को ट्रीटमेंट देते हैं। दांतों की समस्या के लिए भी हम किडनी मेडिजन को ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सूजन के लिए और हड्डियों में दर्द के लिए, हड्डियों का दर्द, उसके लिए भी हम किडनी मेडिजन के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। एड़ी के दर्द के लिए भी हम किडनी मेडिजन के ऊपर दर्द को ट्रीट करते हैं। हम ऐसे ही जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो मैं तो सबसे पहले उनका स्टमक, उनका पेट साफ करवाता हूँ, फिर उसके बाद उनकी मैं किडनी तो साफ करवाता ही करवाता हूँ। कि ज़्यादातर जो समस्या है हमारे पास आती है पेन्स की, दर्दों की, दर्द होती है तो साथ में सूजन भी होती है। जिनके कंधों में दर्द होता है या सर्वाइकल होता है उनके अब यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी सूजन होती है ऊपर भी। जिनके लेग में दर्द होता है पैर भी सूजे होते हैं। तो ट्रीटमेंट देने से पहले मैं 2-3 दिन तो उनकी किडनी साफ करवाता हूँ। किडनी साफ होती है उनका सूजन वैसे ही कम हो जाती है। सूजन कम होगी तो पेन भी नेचुरली थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। किडनी हमारी साफ होगी तो पानी की समस्या जो सारी है हमारी, पानी से रिलेटेड, वो सारी ठीक अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी के शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन है, पानी भरा हुआ है, तो किडनी साफ करने से वाटर रिटेंशन भी खत्म होता है और 4-4, 5-5 किलो वजन भी कम हो जाता है आदमी का, जो फूले होते हैं वो, कुछ तो फूले होते हैं मगर कुछ अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो फूले नहीं होते पर उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, उनका वेट वैसे ही ज़्यादा होता है, कहीं देखने में बहुत मोटे लगते हैं, उनका वजन तो कम हो जाता है। जो देखने में मोटे नहीं लगते पर मगर उनका वजन ज़्यादा है, उनका वजन किडनी क्लीन करने से कम नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वाटर रिटेंशन नहीं है। तो किडनी साफ तो मैंने आप सबको बता रखा है, आप अपना स्टमक क्लियर कीजिए और उनकी किडनी साफ कराइए, उसके बाद आप देखेंगे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। अगली वीडियो के हम अंदर हम हाजिर होंगे एक नए रेडियन के साथ, एक नए ऑर्गन के साथ। तब तक नमस्कार। Have a nice day.